चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ अ हॉलो ट्यूब इज 5 मीटर, ठीक है, इट्स आउटर डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर एंड थिकनेस ऑफ इट्स वॉल इज 5 मिलीमीटर। इफ रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द ट्यूब इज 1.7 × 10⁻⁸ ohm, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब विल बी। सबसे पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए होता है, ठीक है। तो रो की वैल्यू दी हुई है, ये रो की वैल्यू है, एल दिया हुआ है, ये एल की वैल्यू है, ठीक है, ए निकालना है, और ये हॉलो ट्यूब है। हॉलो ट्यूब का मतलब है इसका इनर और आउटर डायमीटर अलग अलग होगा, या रेडियस भी कहो तो अलग अलग कहो, ये हो गया इसका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये इनर हो गया आर वन और ये डायमीटर हो गया आर टू, तो आपको एरिया निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, पाई आर टू का स्क्वायर माइनस पाई इंटू पाई, इस तरह से लिख देते हैं, पाई आर टू का स्क्वायर माइनस पाई आर वन का स्क्वायर, ठीक है, पाई कॉमन ले लो, आर टू स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर, ये एरिया आपको निकालना है। तो आर वन डायमीटर ये है ना, डायमीटर दिया हुआ है आउटर, तो डायमीटर अगर है डी टू की वैल्यू दी है, तो डी टू निकालना है अगर 10 सेंटीमीटर है, तो आर टू इक्वल टू डी टू अपॉन टू होगा, तो 5 सेंटीमीटर हो गया डायमीटर, रेडियस हो गया, और थिकनेस है, थिकनेस है अगर 5 मिलीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में था, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, तो 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो R2 की वैल्यू अगर 5 सेंटीमीटर है, R1 की वैल्यू क्या होगी, इनर रेडियस, तो 5 माइनस थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर में 4.5 सेंटीमीटर हो गया R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ये वैल्यू हम यहाँ निकाल के रख देते हैं, 5 का स्क्वायर 4.5 का स्क्वायर, ठीक है, ये कितना होना चाहिए बोलो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सिंपल 9.5 × 0.5 ए, ठीक है, करेक्ट है, ये ए की वैल्यू हो गई, ध्यान रखना इसको हम बाद में कैलकुलेट करके पुट कर देंगे। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू पुट करते हैं हम रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले में, रेजिस्टिविटी की वैल्यू पुट करते हैं, कितना है 1.7 × 10⁻⁸ इंटू लेंथ है 5 मीटर डिवाइड बाई, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो अगर मैं ऐसा कर दूं, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं, पाई इंटू 9.5 × 0.5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो गया, 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई हो गया, चलो तो पाई की वैल्यू 3.14 रख देते हैं इंटू 9.5 × 0.5 × 10⁻⁴ हो गया, ठीक है, अब लेंथ हो गया सारा, अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 10⁻⁴ वाला टर्म एक साथ कर देते हैं, 1.7 × 5 / 3.14 × 9.5 × 0.5 और 10⁻⁸ और ये ऊपर गया +4, -4 हो जाएगा ना, अच्छा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले सबसे पहले जो वैल्यू दी है मोबाइल से कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो 1.7 × 5 8.5 आया, इसको यहाँ लिखते जाते हैं, 8.5 / नीचे क्या आएगा, नीचे भी कैलकुलेट कर लें, 3.14 × 9.5 × 0.5 ये आ रहा है 14.9 15 आ रहा है, 2 कर देते हैं, 10⁻⁴, तो अब एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, 8.5 / 14.92 पॉइंट आर की वैल्यू 0.568 करके कुछ आ रहा है, इंटू 10⁻⁴ ओम आ रहा है, सबको ऐसा यूनिट में रखा है ना, मैंने कुछ इधर उधर नहीं लिखा, तो ये कौन सा आ रहा है, अगर मैं इधर ले जा रहा हूँ तो 5.68 × 10⁻⁵ हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ये वाला ठीक लग रहा है ना,
ए वाला, चलो यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।